गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है गाजर और टमाटर का सूप बनाना। तो आइए बनाते हैं गाजर और टमाटर का सूप। टमाटर और गाजर का सूप बनाने के लिए ये हमने 4 टमाटर लिए हैं और 3 गाजर को हमने कट कर लिया है धोकर, और ये आधा पीस मैंने चुकंदर का लिया है, इसको मैंने 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। 1 अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी मैंने 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। तो आइए टमाटर और गाजर का सूप बनाते हैं हम। ये मैंने एक कुकर लिया है, कुकर के अंदर सबसे पहले मैं गाजर डाल दूंगी और ये चुकंदर भी डाल दूंगी, साथ ही अदरक के ये टुकड़े डाल दूंगी। टमाटर को मैं कट कर लेती हूँ। टमाटर को मैंने अच्छे से धो लिया है, इसके 1 टमाटर के मैं 4 टुकड़े कर देती हूं। कुकर को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसके अंदर 2 ग्लास पानी डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर 1 छोटा स्पून नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। बंद कर दूंगी और इसमें मैं 3 से 4 विशल आने तक का इंतजार करें। ये हमारे कुकर में 3 विशल आ चुकी हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया है और सीटी निकालने तक हम इंतजार करेंगे। जब तक हमारी सीटी निकलती है तब तक हम ये ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। ये मैंने 3 ब्राउन ब्रेड ली है। और इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। ये हमारे सारे ब्रेड कट हो चुके हैं और अब मैं इनको फ्राई कर लूंगी। ये हमने एक सॉस पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। विशल निकल चुकी है, कुकर को हम खोल देंगे और ये देखो हमारे टमाटर भी गल चुके हैं और इसे मैं ग्राइंड कर लूंगी। ये मैंने सूप को ग्लेंडर कर लिया है, अब मैं इसे छान लूंगी। अब मैं इसे अच्छे से छानूंगी सूप को। ये हमारा सूप छनकर तैयार हो चुका है और इसे मैं पकने के लिए रख देती हूँ। मैं इसमें 1/4 चम्मच काला नमक डालूंगी, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च और 1/4 चम्मच में भुना हुआ जीरा डालूंगी और सूप को मैं पकने दूंगी। 2 से 3 मिनट में इसे पकने दूंगी। जब तक हमारा ये सूप पकता है अब हम ये ब्रेड के टुकड़ों को फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये हमारे ब्रेड फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। ये हमारे ब्रेड फ्राई हो चुके हैं, हमारा सूप पकने लगा है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच चीनी डाल दूंगी। ये हमारा सूप बनकर तैयार हो गया है। हमने इसमें अरारोट और कॉर्नफ्लोर का प्रयोग नहीं किया है। अब सूप को मैं एक बाउल में सर्व करूंगी।
अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डालूंगी और साथ ही थोड़े से ब्रेड डाल दूंगी और ये हमारा गाजर और टमाटर का सूप बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।